हेलो दोस्तों, एस्टीमेट की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज एक मंजिला बिल्डिंग बनाने में लगभग में हर मद पे कितना कितना परसेंट लगभग में खर्च आता है उसको देखते हैं। या इस क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हेडिंग है आपका एक मंजिला आवासीय भवन बनाने में भवन के लिए, बस देखिए एक मंजिला आवासीय भवन के लिए मटेरियल के अनुसार हर मटेरियल पे कितना परसेंट लगभग खर्च आता है ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे पूरा ईंट का वर्क हो गया, ठीक, सेकंड में आपका हो जाएगा सीमेंट, इस्पात, बोले तो स्टील, फिर फोर्थ में हो गया वुड, फिफ्थ हो गया आपका लाइम लेबर, लाइम छठवां लेबर, सातवां आपका है विविध। देखिए ईंट को मैं ब्रेक लेता हूँ, कि एक मंजिला आवासीय भवन के लिए हमारा ब्रिक लगेगा सीमेंट, स्टील, वुड, लाइम, लेबर एंड विविध अन्य खर्च, है ना। इसमें लाइम में ही आएगा सब क्या। तो ब्रिक देखिए आपका लगभग पूरे बिल्डिंग का कितना लग जाएगा, 25% आपका लग जाएगा ब्रिक। सीमेंट लग जाएगा आपका 10%, स्टील भी लग जाएगा 10%, सीमेंट 10%, स्टील भी 10%, वुड लग जाएगा, लकड़ी भी आपका लगेगा 15%, लाइम 5%, लेबर आपके लग जाते हैं 30%, और विविध में आया था आपका 5%। यानी जो ब्रिक पूरे बिल्डिंग बनेगा, पूरे बिल्डिंग का जो जितना कॉस्ट होगा उसका 25% खर्च हो जाएगा किस पे, हमारे ब्रिक पर। सीमेंट पे खर्च हो जाएगा 10%, स्टील पे खर्च हो जाएगा 10%, स्टील वुड पे खर्च होगा लकड़ी के वर्क, जैसे आपके दरवाजे हो गए, डोर, विंडो हो गई, वेंटिलेशन हो गया, चौखट हो गया, उसके लिए आपका 15%, लाइन चूना पत्थर 5%, यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट भी लिख सकते हैं, लेबर 30%, पूरे खर्च का, पूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट के खर्च का 30% जो लगेगा वो आपके लेबर खर्च पे आएगा, और अन्य खर्च में आपके 5%, टोटल जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 15, 20, 25, 20, 40, 30, 70, 30, 100%। ऐसे डिवीजन होते हैं, कुछ मटेरियल जो छूट जाते हैं उनको भी ऐसे ही कम ज़्यादा करके इसमें एडिशन कर लिया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, देखिए एक चीज निकल आ गया है, एक क्यूबिक मीटर में जो ब्रिक आता है आपका कितना आता है, 500 ब्रिक्स, एक क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आते हैं। ये क्या दिया, कृषि क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और आपका है सीमेंट जो है प्रति वर्ग मीटर 1.5 बोरी, प्रति वर्ग मीटर 12 किलोग्राम, ठीक है, और ये दे रखा है प्रिंथ एरिया से प्रति स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर मीटर में आपका 1.5 बोरी 1.5 बैग सीमेंट लग जाएगा, और आपका दिया है प्रति स्क्वायर मीटर में आपका 12 किलोग्राम स्टील लग जाएगा जो आपका वर्क हो रहा है। यहाँ पे भी 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक तो आते ही हैं,
और यहाँ पे दे रखा है कि प्रति स्क्वायर मीटर में जो ब्रिक वर्क होगा वो प्रति वर्ग मीटर में, प्लिंथ एरिया का प्रति वर्ग मीटर में 500 ब्रिक्स। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखिए डिटेल एस्टीमेट में बताया गया आपको पहले वीडियो में भी, डिटेल एस्टीमेट में दो टेबल बनती है। एक में आपका पूरे हम लोग मदों का क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, मद की मात्रा निकालते हैं या फिर इसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। जो सेकंड चार्ट बनता है, सेकंड टेबल बनता है, उसमें हम लोग निकालते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल, कि हर मटेरियल का अलग अलग, ये तो हम लोग मद के अनुसार हर उसके कैलकुलेशन से हर सबकी क्वांटिटी निकालते हैं, मद निकालते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं सेकंड वाले में, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल वाइज हर मटेरियल, जैसे ब्रिक कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, हर एक मटेरियल का एक अलग चार्ट बनता है, उसमें बिना कैलकुलेशन के, कोई कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि डिटेल एस्टिमेट से निम्न बातों का ज्ञान होता है, कौन कौन सी सामग्री का परिमाण, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकल जाता है, फिर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, किस क्वालिटी का मटेरियल है उससे भी हम लोग ज्ञान पता करते हैं, श्रमिकों की संख्या निकालते हैं, फिर टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, वर्क हमारा कैसे कब कितने दिन में कंप्लीट हो गया, कौन सा वर्क कितना टाइम लेगा, हर एक काम का अलग अलग हमें टाइम ऑफ कंप्लीशन पता चल जाएगा। फिर टेंडर कोटेशन निकालने के लिए हमें एस्टीमेट की जरूरत होती है, पेमेंट करने के लिए एस्टीमेट बनाने की जरूरत होती है या एस्टीमेट भुगतान करने के लिए, ठीक, कहीं टेक्निकल परमिशन लेना है वहाँ भी हमें एस्टीमेट की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक। तो यहाँ यहाँ पे हम लोग डिटेल एस्टीमेट के क्या कर सकते हैं, उद्देश्य कर सकते हैं ना, ये हमारा इतना हो जाएगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बना भी रखा है, ये सब पढ़ाया गया हुआ है। हाँ देखिए एक चीज़ और है, डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए हमें रिक्वायर होती है, पहला आता है आपका लाइन प्लान, रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए, पहला हमें चाहिए लाइन प्लान, दूसरा चाहिए सेक्शनल प्लान, थर्ड चाहिए हमें स्पेसिफिकेशन। ठीक है, हमें लाइन प्लान चाहिए, डबल लाइन प्लान बोल सकते हैं उसे, सेक्शनल प्लान यानी कटा हुआ प्लान जो होता है जिसमें हर एक की थिकनेस वो दिखाई जाती है, और फिर स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में जैसे कोई भी आपका विंडो हो गया, डोर हो गया, चौखट हो गया उसका, वेंटिलेशन हो गया, दीवार हो गई, तो उन सबका थिकनेस, चौड़ाई, लंबाई ये सब चाहिए हमें। और एक चीज़ हमें जब कॉस्टिंग कर, तो एस्टिमेट हो गया, जब कॉस्टिंग करने लगते हैं, वैल्यूएशन जब करते हैं, अभी तो एस्टीमेट बना, तो तीन चीज की रिक्वायरमेंट, जब कॉस्टिंग करते हैं तो हमें SOR भी चाहिए होता है, शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ रेट चाहिए जो PWD डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल नवीनीकरण किया जाता है, हर साल चेंज होता है, तो हर साल रिन्यूअल करके निकाला जाता है मंथ सितंबर में, तो वो PWD के द्वारा जो निकाला जाता है, पब्लिश किया जाता है SOR, शेड्यूल ऑफ रेट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें रेट निकालने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए सब जो है, हाँ।
देखिए आगे है टाइप ऑफ एस्टीमेट, कुछ एस्टीमेट्स के टाइप हैं। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में रिक्वायरमेंट के अनुसार इनका नाम चेंज होता है। पहला जैसे है जनरल आइटम रेट एस्टिमेशन, पहला है जनरल आइटम रेट एस्टिमेशन, ये आपका डिटेल एस्टिमेशन वाला ही पार्ट है। डिटेल एस्टिमेशन में जैसे पहले हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं मदों का विवरण करके, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ये आपका मद दर आगण वही वाला है। इसको हिंदी में बोल देते हैं मद दर आगण, ठीक है ना। तो हमारा जो डिटेल एस्टिमेट होता है ये उसी का नाम है जनरल आइटम रेट एस्टिमेशन। पहले हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं मदों का कैलकुलेशन करके, डायमेंशन वैल्यू एरिया निकाल के, उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल की क्वांटिटी अलग अलग लिखते हैं, तो ये जनरल रेट आइटम रेट एस्टिमेशन हो गया। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रिवाइज्ड एस्टिमेशन, दूसरा है रिवाइज्ड एस्टिमेशन, संशोधित प्राकलन, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चला संशोधित, तो इसमें जैसे आपके ड्राइंग में कुछ संशोधन हो जाते हैं, कुछ आपके ड्राइंग प्लान्स ड्राइंग जो है वही चेंज हो गई, प्लान ही चेंज हो गए, ठीक। जैसे वहाँ पे दो कमरे बनने थे वहाँ पे तीन कमरे बन रहे हैं, या फिर दो कमरे की बजाय एक ही कमरा बन रहा है, सीढ़ी का इस प्लेस बदल गया, जो भी चीज़ें हैं आपका ड्राइंग ही जब बदल गया, तो ड्राइंग बदलने से नंबर ऑफ वॉल्स, नंबर ऑफ हो सकता है मटेरियल, नंबर ऑफ मटेरियल्स भी घटे, क्वांटिटी उनकी घटेगी जब ये आपका कुछ हेर फेर बदल होगा, तो उस समय क्या होता है हमारा जो कॉस्ट होता है वो कुछ वेरिएशन करता है, बदलता है। तो उस जब हमारा कॉस्टिंग बदलने लगेगी, वैल्यूएशन जब बदलने लगेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रिवाइज एस्टिमेशन करते हैं। एक सिचुएशन में रिवाइज एस्टिमेशन और होता है, जब परियोजना जो है भी प्रोजेक्ट होता है, परियोजना होती है वो थोड़ी लेट से अगर जैसे शुरू होती है, तो उस समय मार्केट रेट जो है मटेरियल का कुछ बढ़ जाता है, तो उस समय भी ठेकेदार जो होता है कॉन्ट्रैक्टर वो चाहता है कि इसका प्राइस या जो भी है इसका वैल्यूएशन जो हुआ है कॉस्टिंग हुई है वो फिर से रिवाइज किया जाए, जिससे कि उसे हानि न हो, लॉस में वो ना जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब परियोजना का निर्माण इसकी मूल स्वीकृति राशि से 5% अधिक बढ़ जाए, ठीक है। जैसे आपका जो भी 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब जब रिवाइज्ड बनाया गया, मतलब कि उसमें देखा गया मार्केट रेट से उसका मटेरियल की क्या कहते हैं कि रेट्स बढ़ गए, या मटेरियल की क्वांटिटी जब बढ़ रही है, यानी पूरे प्रोजेक्ट का अगर 5% से अधिक रेट बढ़ रहा है, 5% से अधिक, तो उस समय रिवाइज एस्टिमेशन बनाने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद है जब परियोजना का निर्माण व्यय प्रशासनिक स्वीकृति से 10% अधिक हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है जब सामग्री की कीमत मूल स्वीकृति लागत से अधिक अंतर पर हो, ठीक है। जैसे जब पास किया गया टेंडर पास किया गया, तो उस समय मटेरियल का कॉस्ट कुछ और था, अब उसके बाद मार्केट में आने के बाद टेंडर मिलते मिलते आपका मटेरियल का रेट कुछ और हो गया, बढ़ गया, तो उस समय भी हमें रिवाइज एस्टिमेशन करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो रिवाइज एस्टिमेशन क्या है, संशोधित प्राकलन, जब कोई हमारे ड्राइंग में डिजाइन में चेंजेस होते हैं या फिर मटेरियल का प्राइस घटता बढ़ता है, उसकी वजह से हमें लॉस ना हो यानी कॉन्ट्रैक्टर को लॉस ना हो, तो वहाँ पर रिवाइज एस्टिमेशन किया जाता है। रिवाइज एस्टिमेशन करने के बाद उसे फिर से परमिशन लेने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो उस समय जब टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा,
तो वहाँ पे रिवाइज एस्टिमेशन के साथ साथ जो पुराना डिटेल एस्टिमेशन होता है दोनों को भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ पे कंपेयर किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए कंपेयर किया जा सके तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाएगा, जहाँ पे जो कंपिटेटर होते हैं, जो तुलनात्मक करते हैं, दोनों का तुलना करके फिर इसको भी पास कर देते हैं। फिर थर्ड आपका आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अनुपूरक, इसका नाम हिंदी है अनुपूरक प्राकलन। देखिए अनुपूरक सप्लीमेंट्री में क्या होता है, इसमें जैसे आपका जितना ड्राइंग था बनने के लिए, जितना डिजाइन किया गया था उतना तो बनना ही है, लेकिन एक अलग से आया था कि नहीं अब ये चीज़ भी इसमें ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ भी अलग से बननी है, ठीक है। तो उस समय हमें सप्लीमेंट्री यानी एडिशन, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशन, इसके साथ साथ, इतने में आपका ये आपका ऐसे आपका ये बनना था कमरा, ये आपका हो गया, ऐसे प्लान बना, पता चला कि इधर भी आपके प्लेस खाली थे, इधर भी दो कमरे आ गए। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री प्लान बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट करते हैं। तो कुछ भी जब एडिशनल होता है, जब भी कुछ एडिशन करना होता है हमें, तो उसके लिए अलग से डिटेल प्लान बना करके इसके साथ जो डिटेल एस्टिमेट बनाता है उसी के साथ अटैच कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। एंड निर्माण कार्य के दौरान मूल्य कार्य में कुछ परिवर्तन व अतिरिक्त कार्य की वृद्धि होने पर हमें जिसका मूल स्वीकृति में प्रावधान नहीं होता है, मतलब कि उस डिटेल वाले में, डिटेल प्लान में उसका कोई जिक्र नहीं होता है, यानी अतिरिक्त है ये, तो इसके लिए हम लोग एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाया जाता है, और इसे भी डिटेल एस्टिमेट जैसे पास कराया जाता है वैसे ही इसे भी पूरा वहाँ से परमिशन से पास करा करके तभी आगे को काम को बढ़ाया जाता है। फोर्थ नंबर आता है आपका सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेशन, दोनों का मिक्स। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड, संशोधित एवं अनुपूरक या अनुपूरक एवं संशोधित प्राकलन। जब कोई निर्माण कार्य आंशिक छोड़ दिया जाता है, आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया, और जिसकी लागत अब जितना कार्य होने के बाद अभी जो लागत है वो लगभग आपके पूरे प्रोजेक्ट का 95% से अधिक आ रही है या कम, 95% से कम आ रही है, तब यहाँ पे अभिकल्पन में या डिजाइन में कुछ अधिक परिवर्तन हुआ हो जिसके कारण एस्टीमेट में अधिक बचत हो रही हो, तो वहाँ पर सक्षम अधिकारी के माध्यम से या उसकी स्वीकृति लेकर हम एक एस्टीमेट एडिशनल तैयार करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेशन। अरे देखिए क्या होता है, जैसे आपका प्रोजेक्ट हुआ, अब प्रोजेक्ट बनाने किसी टेंडर किसी कंपनी को पास हुआ, वो किया हुआ अपना प्रोजेक्ट तो अपना, और क्या करने लगी स्टार्ट कर दी, फाउंडेशन वर्क हो गया, फाउंडेशन वर्क के बाद आपका ये आधा वर्क और भी हो गया, अब इतने भी वो क्या किया, आधे काम पे वो कंपनी या कुछ वजह से क्या हुआ, काम को रोक दिया गया या कंपनी वो भाग गई, उसे लगा कि घाटा हो रहा हमारा, वो छोड़ के चली गई, ये आपका इतने पे छूट गया। अब इसे गवर्नमेंट फिर से पूरा कराना चाह रही है, तो अब जितना काम हमारा हो चुका है उसके बाद अभी जितने काम होने हैं उनका एस्टीमेट बनाया जाता है कि जो बचे हुए कार्य हैं उनका एस्टीमेट एक अलग से बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एडिशन। अभी जो अब इसके अलावा जो बच गया तो उसके लिए सप्लीमेंट्री हो गया, दोबारा बना रहा है, इसलिए उसका नाम रिवाइज एस्टिमेशन हो गया। तो ये सब जितने भी होते हैं ये हमारे जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं या फिर क्या कहते हैं कि एस्टिमेटर होते हैं, ठीक, उन्हीं की स्वीकृति के अनुसार ये सब काम होगा। उसके बाद जितना जो हमारा सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेशन बन जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा, तो उसे भी परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन का मतलब पास कराना पड़ेगा, पास कराने के बाद ही आगे उससे काम होगा।
लगभग सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा है ये आपका। जब कोई नया प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए बनाया जाएगा, रिवाइज एस्टिमेशन में संशोधित कुछ हुआ है, रेट बढ़ गया है आपका ना, तो उस समय संशोधित एस्टिमेट किया जाएगा। कुछ ड्राइंग में अलग से बढ़ गया है या कुछ चीजें अलग से घटा दी गई हैं, तो उनको क्या करते हैं, अलग से उनका एस्टिमेशन निकाल करके उसको या तो माइनस कर देते हैं या फिर उसको प्लस कर देते हैं। लेकिन देखो दोनों में अंतर है, रिवाइज एस्टिमेशन में पुनः दोबारा से बनेगा स्टार्टिंग से, लेकिन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, जब थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं या एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तो क्या करते हैं उसका अलग से ब्यौरा बना करके, अगर अलग ड्राइंग कुछ ऐड हुई है तो उसको उस पैसे को ऐड कर देंगे, अगर उसी में से कुछ माइनस हुआ है ड्राइंग में से तो उसको उसी पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेट जो आंशिक काम हो चुका रहता है, पार्शियली वर्क हुआ है और उसके बाद कुछ दिन के बाद उस पर दोबारा से काम लगाना है, तो वहां पे हमें ये सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेशन। सप्लीमेंट्री इसलिए कि हमें क्या, वो आधा काम हो चुका है आधा ही करना है, ठीक। रिवाइज इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि हमें पुनः उसके बाद दोबारा से एस्टिमेट बनाना पड़ रहा है, तो सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेशन होगा जब आधा अधूरा काम कंप्लीट हुआ होगा वहां पे, ठीक। अभी कुछ और है उनका नेम बताते हैं। कौन सा नंबर था, 1 2 3 4 5 नंबर। वार्षिक रख रखाव व असही रख रखाव प्रक्रिया, वार्षिक रख रखाव प्रक्रिया, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए पूरा जब से हमारा जो प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके लिए एक मद निर्धारित किया जाता है, वार्षिक रख रखाव प्राकलनी, एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। इसमें क्या होता है, हर साल बिल्डिंग को एक खूबसूरत दिखने के लिए या फिर उसका ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी यानी उसका जीवन लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोगों को हमेशा हर साल कुछ न कुछ उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस कराने पड़ते हैं। तो हमारे मद में क्या होता है, इसका भी एक विवरण है, तो इसके लिए पूरा जितना भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है, पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट का 2 होल 1/2%, सॉरी 1 होल 1/2%, 1 होल 1/2% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट या प्रोजेक्ट कॉस्ट देता हूँ मैं, पूरे बिल्डिंग कॉस्ट का या पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1 होल 1/2% एनुअल किस चीज पे खर्च होता है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे। जैसे आपका रंग रंगाई हो गया, पुट्टी हो गया, ठीक है, इसके लिए हमारा क्या होता है 1.5% दिया जाता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का, ये हमारे लिए रख रखाव के लिए। ये भी हमारा क्या होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट से परमिशन के आधार पर ही सारे काम होते हैं। जैसे देखिए इसमें है, अब इसमें भी दिया कौन कौन सा मद आपका रेनुअल रिपीट होंगे, जैसे आपका दिया है रंगाई पुताई का वर्क, ठीक है, रंगाई पुताई का वर्क हर साल एक साल पे रिपीट होगा। फिर दूसरा है डिस्टेम्पर वर्क, डिस्टेम्पर हर 2 साल पे उसका रिपीटेशन होगा। उसके बाद दिया है आपका पेंट एक कोट, पेंट आपका जैसे लकड़ी के दरवाजे हो गए या लोहे के दरवाजे हो गए, विंडो हो गई, तो ये जो पेंट का वर्क होगा ये भीतर, अगर कोई भीतर अंदर इनर साइड है तो ये 4 साल पे होंगे, और अगर बाहर है आउटर साइड में है तो 3 साल पे होंगे, क्योंकि आउटर साइड वाले ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। उसके बाद आता है सीमेंट प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर अगर इनर साइड है तो 15 वर्ष पे, और अगर बाहरी का बाहर का है तो 10 वर्ष पे, ठीक है, और कंक्रीट का फर्श 20 वर्ष पे। तो
इनका सब दिया हुआ है, ये अब हमने रिपीट कर दिया। और जैसे हो गया वाटर सप्लाई में आपका वाटर टैप हो गया, ठीक है, उनके पाइप की मरम्मत हो गई, बल्ब हो गया, फ्यूज बल्ब हो गया, MCU की, तो ये सब रिक्वायरमेंट के अनुसार जब जैसे खराब हो जाए तभी इनको चेंज किया जा सकता है। अब आपके टॉपिक्स बचते हैं इसमें, बाकी इधर का बताया गया है। एक लास्ट चीज बनती है, अप्रूवल के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक स्वीकृतियाँ। जैसे आपका कोई भी विभाग है, चाहे मेडिकल विभाग हो गया, जैसे एजुकेशन विभाग हो गया, ठीक है, या जल निगम हो गया, जो कोई भी, या बिल्डिंग आपका ये आवास विकास विभाग हो गया, कोई भी विभाग हो, अगर उससे कुछ अपना वर्क कराना है, काम कराना है, कोई प्रोजेक्ट, तो पहले क्या करेगा, अपने विभाग के हेड से क्या करेगा, परमिशन लेगा, हेड के विभाग से, कोई भी विभाग हो वहाँ हेड, वहाँ विभाग हेड से यहाँ लिख देते हैं डिपार्टमेंटल हेड से क्या करेगा, परमिशन लेगा। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अप्रूवल। जैसे डिपार्टमेंटल हेड से परमिशन लेने के बाद, डिपार्टमेंटल हेड से परमिशन लेने के बाद कि हमें ये प्रोजेक्ट अपने विभाग में कराना है, अगर वहां से उसे परमिशन मिल जाता है तो वो चीज कहाँ पे जाती है, फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना कॉस्ट आएगा और कितना कॉस्टिंग अप्रूव हो सकती है। तो इसके लिए हमें फिर क्या जरूरत होती है, एस्टीमेट की। तो पहले इसमें जो डिपार्टमेंटल हेड से परमिशन लेने के बाद क्या बनाया जाएगा, इसका एस्टीमेट बनाया जाएगा, एस्टीमेट बना करके इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक। वैल्यूएशन करने के बाद एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में पहुंचेगा जहां पे इसे अप्रूव मिलेगा, अगर कि हाँ इस काम के लिए इतना पैसा पास किया जा सकता है। तो उसके बाद ये थर्ड नंबर है टेक्निकल अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल या सैंक्शन हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे टेक्निकल अप्रूवल में यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, उसकी डिजाइनिंग, ड्राइंग, एस्टीमेशन सब कुछ चेक करके कि हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तब तो वहाँ से उसको स्वीकृति वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। देखा, बोला गया प्रशासनिक स्वीकृति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने के बाद निर्माण के लिए डिटेल एस्टीमेट और लागत निकाली जाती है इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा, फिर सक्षम अधिकारी से टेक्निकल सैंक्शन किया जाता है, ठीक। जैसे जब जहाँ पे मूल कोई निर्माण कार्य कराना होता है तो इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा टेक्निकल सैंक्शन देने से पहले नक्शे यानी ड्राइंग और एस्टीमेट बनाना होता है। यहाँ पे गलत हो गया, पहले एक बार ड्राइंग भी, ड्राइंग एंड एस्टीमेट एवैल्यूएशन होगा, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका होगा, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे ड्राइंग बनाएगा इसका, ठीक है। तो इतने बात हो गई, यानी आपको कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर फाइनेंशियल अप्रूवल, फिर टेक्निकल अप्रूवल। इतने अप्रूवल के बाद फिर आपका वर्क प्रोग्रेस पे आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।